सो हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। तो आज हम आपके पास लेके आ चुके हैं हमारा एक और गेम रिव्यू का एपिसोड। और आज का एपिसोड थोड़ा खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक फ्री गेम का फुल रिव्यू जिसका नाम है वैलोरेंट इग्निशन एक्ट 2। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारा ओपनिंग स्क्रीन के ऊपर और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये गेम फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। तो भाई इस गेम को डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है, आपको गूगल क्रोम पर जाना पड़ेगा, जाके वैलोरेंट डाउनलोड करके टाइप कर देना है और वैलोरेंट का जो मेन वेबसाइट है वहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे रायट का शायद से एक आपको आईडी क्रिएट करना पड़ता है और फिर आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो भाई। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारा गेम का रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया जाए तो गेम रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लो है, आप इसको आराम से 2GB या 4GB रैम वाला PC पे भी चला सकते हो, एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो अच्छी बात है। और इसके अलावा आपका मॉनिटर थोड़ा अच्छा है तो गेम का जो लैग होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, आपको फुल 144 FPS देखने को मिल जाएगा गेम में। इसके बाद आ जाता है कि हमारा ओपनिंग पेज में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको होम देखने को मिल जाता है, बैटल पास देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो बैटल पास है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक एजेंट्स है जो कि एजेंट्स पे आप फ्री एजेंट्स आराम से अनलॉक कर पाते हो। यहाँ से एक करियर मोड होता है जो आपका पास्ट मैचेस दिखा देता है। एक आपका कलेक्शन होता है कि आप कौन कौन से गन्स रखे हो। और एक है आपका स्टोर जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि स्टोर पे चीज़ें काफ़ी महंगा है तो ना खरीदें, ना ही बेटर होगा भाई, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो खरीद सकते हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि प्ले पे और दिखाते हैं आपको प्रैक्टिस में एक कुछ स्किल्स और मूवमेंट्स। हम यहाँ पे ओपन रेंज खेलेंगे क्योंकि ओपन रेंज पे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। A few moments later. तो यहाँ पे हम कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं जैसे कि इसको, और प्ले ओमेन करते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अगर स्विच करना है तो आप B से जाओ और यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एयर गन्स होता है, एक शॉर्ट गन्स होता है, यहाँ पे आपको SMGs देखने को मिल जाता है, DMR, पबजी के लैंग्वेज में DMR ही कहते हैं इसको, प्रॉपर स्नाइपर राइफल्स, यहाँ पे हमारे पास LMGs है और यहाँ पे हमारा पिस्टल्स है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम ऐसे करके मार सकते हैं और साउंड इफेक्ट्स काफ़ी तगड़ा है। अगर अभी आप एक हेडफोन यूज़ कर रहे हो इस वीडियो को सुनने के लिए तो आपको शायद पता भी लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे SMG स्प्रेस भी दिखा देता हूँ। तो गन रिकॉयल्स तो भाई खैर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है गन रिकॉयल्स, ऑलमोस्ट जीरो गन रिकॉयल है इसमें। आपने अगर एक बार ही अच्छे खासा अपना निशाना बैठा दिया ना तो भाई आपको हराना भाई नामुमकिन सा ही बन जाता है। और हाँ, यहाँ पे आप मूविंग टारगेट्स को भी मार सकते हो, ऐसे करके आप अपना एम को बेटर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई डिले नहीं है, फुल 1080p एट 144 FPS आपको ये गेम दे देता है और कोई लैग देखने को भी नहीं मिलता है भाई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फीचर है ये इस गेम का कि कोई भी लैग देखने को आपको नहीं मिलता है। इसके बाद स्किल्स का बात किया जाए तो स्किल्स भी यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे टेलीपोर्टिंग का फीचर आ जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पे डिस्टेंस रेंजेस का भी देख सकते हो, आप पूरी तरीके से एकदम से फाड़ के देख सकते हो कि बंदा कहाँ पे है। इसके अलावा आपके पास क्यू का फीचर आता है जो कि आपको कवर करने में मदद करता है। और हाँ, एक और बात है कि यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो उसका एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट आपको देखने को मिल जाता है। और आपको जो ऊपर हाई पिंग का इशू देखने को मिल रहा है ना भाई, ये मोस्टली होता है विदेशी सर्वर को खेलने से, विदेशी सर्वर पे पिंग काफ़ी हाई होता है जिसके वजह से आपको ये परेशानी देखने को मिलता रहता है बीच बीच में। बट मैं हाई पिंग का बात करूँ तो हाई पिंग में यहाँ पे जो मतलब है तो
वो यही है कि आपका गेम लैग नहीं करने वाला है, यहाँ पे लैग नहीं होता है गेम, थोड़ा डिले देखने को आपको बेशक मिल सकता है, बट मेरे को अभी तक वैसा कोई फीलिंग नहीं आया कि प्रॉपर लैग या प्रॉपर डिले देखने को मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप शूटिंग रेंज है, शूटिंग रेंज पे आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, बी से आप गन्स चेंज कर सकते हो, कंट्रोल से काउच कर सकते हो और स्पेस बार से जंप कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको बटन दिख जाता है सी क्यू ई और एक्स, जो कि आपका स्पेशल एबिलिटीज होता है, उसका आपको गेट देखने को मिल जाता है। तो भाई मेरा कहना है कि गेम फ्री है तो आप जरूर से जाके एक बारी खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपना ओवरऑल रेटिंग पे, उससे पहले हमको गेम को एक बारी एक्सिट कर लेना पड़ेगा। अदर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई यहाँ पे हम अपना ओपनिंग स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं, और बात किया जाए कि इसका ग्राफिक्स क्वालिटी की तरफ, तो ये 9 out of 10 डिजर्व करता है। इसके बाद लाइटिंग के बात किया जाए तो 9.7 out of 10, लैग एंड अदर शटरिंग के फीचर्स के बात किया जाए तो ये आराम से 9.5 इसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि हाई पिंग का फीचर्स कभी कभार आपको परेशान कर सकता है। इसके बाद अगर आप एक लो एंड पीसी पे खेल रहे हो तो पीसी कंपैटिबिलिटी की बात किया जाए तो यहाँ पे मैं आपको 10 out of 10 दे सकता हूँ इस गेम को। प्राइस का बात किया जाए तो भाई कोई प्राइस ही नहीं है, तो प्राइस रिलेटेड इश्यूज कोई आता नहीं है गेम में। कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात किया जाए गेम का, तो प्रोज ये है कि कोई भी पीसी में चल जाता है, छोटा मोटा ग्राफिक कार्ड हो तो भी आराम से चल जाता है। अगर आपका हाई एफपीएस मॉनिटर नहीं है तो 60 FPS पे भी आप लॉक करके खेल सकते हो गेम को, और अगर आप एक रेगुलर गेमर हो तो आप इससे ई स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। कॉन्स की बात किया जाए तो ग्राफिक क्वालिटी थोड़ा लो है, जरूर ग्राफिक क्वालिटी थोड़ा सा लो है, जिससे कि ये हर एक डिवाइस में चल पाए और स्मूथली चल पाए। बोले तो यही एक लौता कौन है। हाँ एक और बात है, थोड़ा बहुत रिकॉइल होता था गेम में तो मज़ा आता था, रियलिस्टिसिटी मिल जाता था। अब मैं बता देता हूँ इसका ओवरऑल रेटिंग, ओवरऑल रेटिंग पे इसको मैं 9.8 out of 10 दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें ई स्पोर्ट्स वगैरह हर एक चीज़ का फीचर देखने को मिल जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे हम सेटिंग्स में आते हैं। एक बारी आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ वीडियो में आपको चल के, कि यहाँ पे आप फुल स्क्रीन मोड खेल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रेजोल्यूशन क्या है, 1920x1080p विथ 60 Hz, जो कि आपको 60 FPS आराम से देख सकता है। तो क्रॉस एयर वगैरह का भी फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भाई, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये क्रॉस एयर का फीचर। अब आप लोगों पे है, आप लोगों को क्या कैसा लगता है। जनरल पे बात किया जाए तो आप इंग्लिश रखिए और सेंसिटिविटी वगैरह आपके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस गेम पे। गेम एक इनबिल्ट अपने आप में चैम्पियन गेम है। और यही तक थी आज की वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक ठोकना, चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो तो वहाँ पे मेरे को ज़रूर से फॉलो करें, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप चाहते हो कि इस गेम का लाइव स्ट्रीम करे और आप उस लाइव स्ट्रीम में खेले तो डिस्कॉर्ड लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसा ही नया और धमाकेदार वीडियो में। टिल देन गुड बाय।